हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ एक और इकोनॉमिस्ट की वीडियो। उनका नाम है विलियम नॉर्दहाउस। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन हल्की फुल्की हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। विलियम नॉर्दहाउस, बॉर्न इन 1941, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट येल यूनिवर्सिटी, इज अ ज्वाइंट रेसिपिएंट ऑफ 2018 नोबल अवार्ड इन इकोनॉमिक्स। नोबल प्राइज विनर थे 2018 में, ज्वाइंट रेसिपिएंट थे, मतलब इनके साथ एक और इकोनॉमिस्ट को मिला था। ही स्टडीड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन नेचर इन द व्यू ऑफ ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द फॉसिल फ्यूल्स एडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग। इन्होंने कहा था ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो फॉसिल फ्यूल्स का हम इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उनके ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया था। ही वॉज द फर्स्ट टू डिवेलप द क्वान्टिटेटिव मॉडल्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक क्लाइमेट सिस्टम दैट अलाउड क्लाइमेट चेंजेस टू बी एनालाइज इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। वो फर्स्ट थे जिन्होंने डिवेल्प किया एक क्वान्टिटेटिव मॉडल जिसके थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं कि जो एनवायरमेंट है उसकी हमें कॉस्ट और बेनिफिट कितने पड़ रहे हैं, मतलब जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसकी कॉस्टिंग हमें इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन कितनी पड़ रही है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। समझ की बात। अकॉर्डिंग टू नॉर्दहाउस रिसर्च, द मोस्ट एफिशिएंट रेमेडी फॉर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस वुड बी ग्लोबल स्कीम ऑफ कार्बन टैक्सेस। उन्होंने ये कहा था कार्बन टैक्सेस लगाओ, जो कंट्री सबसे ज़्यादा या फिर जो कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा एमिट करता है उनके ऊपर डबल ट्रिपल टैक्स लगाओ ताकि वो और टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होने के लिए मजबूर हो जाएं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।